किला छड तुरिया जांदा है अज दो जहाना दा वाली माता गुजरी दे नाल जोरावर सिंह फतेह नहीं गल वकड़ी पाले कहर कुदरती धुरों जो अकाल दा फरमान आया खेरू खेरू होया परिवार सरसा ने भी पाप कमाया पुत तो मां खो ली प्यो तो साहबजादे जुदा होए वेख मंजर अजोका अज पत्ते भी रोए अज जिस पावन स्थान ते खड़े हैं गुरद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहिब इस स्थान ते परिवार दा विछोड़ा होया सी तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस स्थान ते सरसा नदी ने कहर कमाया सी इस स्थान ते जिहड़ा परिवार दा विछोड़ा हुंदा है ते उस तो बाद परिवार अलग अलग जिहड़ा भागां दे विच वंडिया जांदा है। आप जी जिस पावन पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हो इस पावन पवित्र स्थान का नाम गुरद्वारा श्री परिवार विछोड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की चढ़ती कला देख के पहाड़ी राजा ने उन्होंने श्री आनंदपुर साहब छड़न लई कहा पर गुरु साहब जी ने इनकार कर दिता जिसनों देखते हुए पहाड़ी राजा ने किले नूं घेरा पा लिया पर गुरु साहब जी अडोल रहे घेरा एक महीने दो महीने तक हुंदा हुंदा होया छे महीने तक पहुँच गया जिसनों देख के पहाड़ी राजा का हौसला टुट गया अते उन्होंने धर्म की आड़ लैंदे हुए आटे दी गवां ते होर धार्मिक चिन्ह लैके धर्म दी कसमां खाणियां कीतियां। गुरु साहब जी ने धर्म देखते हुए श्री आनंदपुर साहब नूं छड्डणा कीता पहाड़ी राजा ने रास्ते विच गुरु साहब जी ते संगतां उपर सिखां उपर हमला बोल दिता जिसका कि सिखां ने योधिया ने बड़ी ही दृढ़ता नाल जवाब दिता सिखां दा जानी नुकसान होया। उपरंत गुरु साहब जी हुंदे हुंदे इस स्थान ते पहुंचे इस दे नाल ही गुरद्वारा साहब दे नाल ही नदी बहिंदी हुंदी सी पहाड़ी नदी बरसाती नदी बहिंदी हुंदी सी जो कि बरसात पैण कारण बहुत ज़्यादा भरी हुई सी अते पानी ठाठा मार रहा सी। अंत विच गुरु साहब जी ने इस पहाड़ी दे उपर आसन करना कीता अमृत वेला हो चुका सी गुरु साहब जी ने आसा ही वाद का कीर्तन किया इस स्थान ते पहाड़ी राजा ने एक बार फिर हमला कर दिता एक पासे कीर्तन हो रहा सी गुरु एक पासे युद्ध हो रहा सी गुरु साहब जी ने दर्शाना किया कि रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा ना है कि किन्नी भी औकड़ आ जाए असी अपनी रहत विच परपक रहीए। गुरु साहब जी ने हौसला नहीं डुलाया सिखां ने बड़ी ही दृढ़ता नाल जवाब दिंदे हुए अपने घोड़े सरसा वल नूं पा रहे सरसा ठाठा मार रही सी कोई सिंह किते जाके लग्गिया कोई किते जाके लग्गिया गुरु साहब जी का परिवार भी तीन हिस्से विच वंडिया गया। गुरु साहब जी के महल भाई मनी सिंह होर सिंह दिल्ली वल कूच कर गए गुरु साहब के छोटे साहबजादे अते माता गुजरी जी एक किनारे ते जाके लगे जिस स्थान उत्ते उन्हां नूं कुम्मा माशकी ने पनाह दित्ती अते गुरु साहब जी वड्डे साहबजादे तीन प्यारे अते होर सिंह इह चमकौर साहब वल कूच कर गए। इस तरह इस स्थान उत्ते गुरु साहब जी दा परिवार तीन हिस्से विच वंडिया गया जिस कारण इस गुरद्वारा साहब का नाम गुरद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहब पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।